कौन सा शॉपिंग करो नहीं यार होता के मारे घर में है बस किसी के होता है किसी के नहीं भी होता है कोई से भी नीचे हम कोई से पर कहीं मेरे दराज में तो नहीं रखी वो भाई नीरा रह गई थी देखना पड़ेगा आई रियली डोंट नो देखना पड़ेगा ना चाबी कार के पास है लोगों ने तो अभी लॉन के कपड़े पहनने शुरू कर दिए पंखे भी चलाते हैं हमने आज चलाया ये भी काम कर रहे हैं तो गर्मी लग रही थी तो हल्का सा चलाया है वो आगे बर्फ खा रही थी निकाली थी वहीं ठंडा करने के लिए वो मां गई थी तो बच्चे खा रहे थे क्या बन गया यहाँ अभी थोड़ी देर पहले सब समेटा था और अब जरा ये ब्लैक शर्ट भी सेल करनी है ये जो पकड़ी है इसके नीचे ये तो पापा का नहीं है हाँ जी ये पापा का थोड़ी है लो जी हमने ये भी काम शुरू कर दिया व्लॉग के साथ 1500 की शर्ट बाजुओं का पीस दिखा देना हाय हाय ये लो जी बाजू भी देख लो साथ बोल तो रही नहीं हूँ तू बोले ले तू बोले तू बोल ले तेरी बहुत जुबान चलती है बोल बोतल ला के बस जाइए चुप कर दो पानी पियो इसमें जिस मकसद के लिए उस मकसद के लिए इस्तेमाल करें इसको पिला दे इसमें बंद बंद कर लो मेरा बहुत माथा पूरा ये चला जाएगा कि नहीं मैं तो कल मंजी हो गई जो बस कलर पसंद था ये कैमल कलर का चल रहा है और मैं वो नहीं पहना ना कोई मोटी मिल जाए या फिर हल्का मिल जाए कमीज बहुत टाइट का बन जाए तो साथ ट्राउजर आ जाएगा फैंसी ये भी मुझे कलर पसंद था लेकिन लगा कि यह कलर है इसको भी आप बोलते हैं और इसको ग्रे भी बोलते हैं छोटा छोटा डिज़ाइन है अच्छा लगता है गर्मी में पहनना हुआ शर्ट्स भी बन सकते हैं कुर्ता भी बन सकता है फिर कॉटन है कॉटन तो फोर सीजन ही होती है जैसे फोर सीजन ये भी मुझे बहुत पसंद था यही गर्मा कपड़ा है कि जिसको ज़्यादा सर्दी लगे खासकर मुझे लगती है कलर की कोई बात नहीं है हल्का भी हो तो खैर लेकिन सर्दी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती कोई जरूरत नहीं कंबल जैसा स्टफ है इसका ये गर्म बहुत है जी वो भूल है कोई बात नहीं कंबल ही ले लेंगे सर्दी तो नहीं ना लगेगी कंबल उंगलियाँ तो नहीं ना आएगा उंगलियाँ ये जीन्स है जीन्स पहन कर जाए कहाँ कलर भी बहुत अच्छा है आगे थी बनाई है सुबह और भी दिखाऊंगी तुम्हें याद कराऊंगी क्या कराऊंगी याद कराऊंगी तुम्हें कितनी बनाई है एक ही बनाई है शर्ट मैंने बता दी है और ये जेंट्स लोगों के लिए भी है और कपड़ा ये है मिक्स इसमें कॉटन कम ही है ये वाशिंग वेयर है इसमें हवा लगती है और इसका डिज़ाइन कलर पसंद आ गया मुझे कपड़ा नहीं आया लेकिन फिर भी मैंने ले लिया मैंने नहीं छोड़ा इसके थे भी दो पीस तो फिर मैंने दोनों ले लिए ये भी कॉटन वाला कपड़ा ट्राउजर वाला अपनी मर्जी है चाहे जो मर्जी ना हो मोटे स्टफ में है सर्दी में जब ये सिल जाएगा तो फिर इसकी लुक और अच्छी आएगी इसको सीने वाला कोई होना चाहिए कोई टेलर मास्टर इसको पाएंगे क्या हमारी कपड़ों की भी रखें घर की खरीदारी नहीं लोग दिखा तो अगर कोई खरीदना चाहे तो मैं दे दूंगी दे दोगी दे दूंगी और अगर वो ग्रीन वाला मांग लिया क्या वो ग्रीन वाला मांग लिया तो मुझे कहती डबल पैसे में भी नहीं दूंगी आगे कहती कोई डबल पैसे देगा फिर भी नहीं दूंगी कोई देख लूंगी कोई बंदा होता है हो सकता है उसको मुझसे ज्यादा पसंद हो तो दे दूंगी खुशी के मारे दे दूंगी ये भी गर्मी वाला कलर है अपनी अपनी चॉइस होती है कपड़ा अच्छा था इसलिए मैं ले लिया हर चीज तो नहीं मिलती तो ये सबको पता है फिर ये कॉटन साटन में तो फिर ना ही पूछे रेट ऐसे हैं जैसे सामानों पे हैं तो मुझे अच्छा लगा मेरा रेट बन गया तो मैं ले आई ये भी लेडीज सूट बन जाएगा जेंट्स तो फिर कुर्ता ही बनेगा ये भी मोटे स्टफ में है इसकी मैं ग्रेस की वजह से ले आई कलर तो इतना पसंद नहीं है मुझे तो लेकिन ग्रेस अच्छी है ये ऐसे का ऐसे ही रहता मैंने पहले भी पहना हुआ इसको कुछ भी नहीं होता
जितनी दफा भी धोया से कैसे रहता है। गर्दन को लग रहा बल पड़ गया। ये आ गया जो मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट कॉटन साटन, और ये किसका है? डिजाइन और कलर दोनों मेरी मर्जी। और ये किसका है? जिस बच्चे को सबसे ज्यादा पसंद आएगा उसकी कमेटी डालूंगी, बच्चियाँ डालूंगी या किसके से ना फिर उसको दूंगी, कमेटी नहीं डालूंगी, कमेटी कैसे पट्टियाँ डालूंगी, कर्म कर्म में वो करूंगी, क्योंकि इस वजह से लड़ाई हो जाएगी, तो जिसको ये ज़्यादा पसंद आएगा जिसका पर्ची निकल आएगी ना फिर उसको देंगे। ये अब ब्लैक आ गए हैं, ब्लैक मेरे पास बहुत है, मेरा दिल भर गया और मैं इनकी चटाइयाँ बनाऊंगी, ब्लैक चटाइयाँ बनाऊंगी। क्यों करना है मम्मा? क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है तो ब्लैक वाले होते वेस्ट करूँगी, क्योंकि बच्चों के नखरे बहुत हैं, लेकिन कपड़ा इतना अच्छा पहनगी कपड़ा मिलता नहीं है, मैंने एक एक के चाके जमा की नहीं, ये भी जीन्स है पेंट वाली लेने जाओ तो 1000 रुपये का भी ऐसा कपड़ा नहीं मिलता। जब गा करेगा फिर बता। ये भी जीन्स है, चाहे तो जैकेट बना सकते हैं, चाहे तो पैंट बना सकते हैं, चाहे तो ट्राउजर भी बना सकते हैं, अपनी अपनी चॉइस है, चाहे 200 रुपये भी बना सकते हैं। मैंने जीन्स का एक सूट पहना, बच्ची को देखा तो इतना प्यारा लग रहा था, उसने गोल घेरा और आम जो शाइन वाली जीन्स है वो पेंटों वाली प्योर पेंटों वाली तो उसका सूट पहना हुआ था तो अच्छी लग रही थी वो, लेकिन मैंने उसकी तारीफ नहीं की क्योंकि वो बड़ी नाक चढ़ी थी, उसको बहुत मान है पैसों का, इसलिए भी मैं नहीं करती तारीफ, मैं किसी को कुछ कहती भी नहीं हूँ और तारीफ भी नहीं करती, मैं खुद खरीद लेती हूँ, मुझे कपड़े में बहुत इंटरेस्ट है, हफ्ता भी करना चाहिए तो कर सकते। ये वेलवेट में लाई थी, जब मैंने ली थी तो मैंने कहा था शर्ट बना लूँगी, फिर मैंने घर आके फिर मूड चेंज कर लिया, मैंने कहा नहीं ट्राउज़र बना लूँगी, फिर उसकी भी बारी ना आई क्योंकि मेरे पास बहुत कपड़े हैं, फिर मैंने अब सोचा कि मैं इसकी तकलीफ बना लूँगी। ये कुर्ता मैं बाजार गई, मुझे शीट चाहिए थी, ये जो होती है ना वाटरप्रूफ शीट थोड़ी सी चाहिए थी, तो मैंने कहा ये मुझे शीट लग रही थी, मैंने पूछा तो कहता ये शीट मुझे कलर भी सही, मैंने कहा चलो मेला नहीं होगा तो मैंने ले लिया, लेकिन लोग बहुत झूठ बोलते हैं ये शीट नहीं है ये तो कॉटन है, मुझे भी पता चल गया था लेकिन वो मान नहीं रहा था, मैंने कहा चाहिए कपड़े का 24 घंटे कपड़े का काम करता है इसको ज़्यादा पता होगा, तो फिर मैंने ये खरीद लिया, जब घर आके धोया इसको, मैं धोए बगैर यूज़ नहीं करती, जब इसको धोया तो ये एकदम से इसमें पानी गर्म हो गया, तो अब ये पहनना जा सकता है, अगर कोई बच्चा पहन लेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं किसी को दे दूँगी, कोई पहन लेगा गला भी बहुत बड़ा है, कभी मैं सोच रही हूँ इसको काट के इसका ट्राउजर बना लूँ, कभी सोच रही हूँ इसको स्ट्रेट कर लूँ, कि मुझे कोई समझ नहीं आ रहा, सोचती रहूंगी जब तक समझ नहीं आएगी तब तक मैं इसको नहीं काटूंगी। फोन स्टफ है और ये मैं लाई थी चादर ओढ़ने के लिए, इसका रस बड़ा था और गर्मी में बहुत बेस्ट है ये, और कपड़ा भी बहुत अच्छा है, जैसे जैसे भी धोगे वैसे वैसे ये और प्यारा लगता है, ना कि ये पसा पिसा लगता है, और अच्छा लगता है। उल्टी साइड है ये, उल्टी है ये, सीधी साइड है इसकी, ये देखें कलर भी गर्मियों वाले हैं, कपड़ा भी बहुत अच्छा है।